के बारे में अटेंशन क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और मैन के लिए जेंडर इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट करने के लिए इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देना है हाईलाइटिंग दी जेंडर गैप्स इन स्टेम एजुकेशन स्टैम एजुकेशन स्टैम हमने देखा था साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स काफी न्यूज में रहा है ये भी आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए स्टैम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इस बार इस साल की थीम रखी गई है इंटरनेशनल विमेंस डे की विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द गोल्ड मेडल इन मेन्स शॉर्ट पुट इवेंट ऑफ द एएफआई नेशनल थ्रोस कंपटीशन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कंपटीशन था जिसमें मेंस शॉर्ट पुट कंपटीशन में किसने गोल्ड मेडल जीता है ऑप्शंस हैं नवप्रीत सिंह इंद्रजीत सिंह टेक सिंह और तेजेंद्र पाल सिंह तूर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन तेजेंद्र सिंह तूर तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें है तेजिंदर पाल सिंह तूर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आपका ए का एक कॉम्पिटिशन था पुट, गोला फेंक जिसे बोलते हैं, उसका एक कॉम्पिटिशन था जिसमें टीचर्स और स्कूल चिल्ड्रेन में स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एनसीआरटी ने रिसेंटली किसके साथ में एमओ यू साइन किया है ऑप्शन हैं हॉकी इंडिया फीफा आईसीसी और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ मिलकर के एनसीआरटी ने एक एमओयू साइन किया है टू प्रोमोट स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर नाडा की बात करें तो नाडा का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2005 थाउजेंड फाइव में हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है करेंटली मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है करेंटली हमारे वो है अनुराग सिंह ठाकुर अनुराग ठाकुर आपके करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है जो कि चेयरमैन होते हैं नाडा के नाडा का स्टैब्लिशमेंट हुआ है टू में हेडक्वार्टर इसका है न्यू डेली में ये आपको पता होना चाहिए रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेफ सिटी इन विस्ट सिटी सेफ सिटी प्रोजेक्ट रिसेंटली अमित शाह के द्वारा लॉन्च किए गए हैं इनोग्रेट किए गए हैं तो ये किस सिटी में इनोग्रेट किया गया ऑप्शन है जयपुर बेंगलुरु हैदराबाद और अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु बेंगलुरु में रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट है क्या तो जो भी निर्भया फंड है निर्भया फंड के बारे में आपको पता है निर्भया फंड से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं इनका मेन जो एम है वो ये है कि विमेन सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ावा देना है विमेन सिक्योरिटी के लिए जो भी काम है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं उस फील्ड में तो वो भी इसमें किए जाने वाले हैं रिसेंटली सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस इन विस सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे जितेंद्र सिंह उन्होंने रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस किस सिटी में रिसेंटली है। हैं भोपाल, न्यू डेली मुंबई और टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस जो है इनोग्रेट है रिसेंटली विच बैंक लॉन्च हर पेमेंट डिजिटल टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट ड्यूरिंग डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस बिंक 6th to 12th जो है आपका डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है जो है वो चल रहा है तो इसमें आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल हर पेमेंट डिजिटल करके एक कैंपेन है वो लॉन्च किया है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल एक कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक अभी चल रहा है सिक्स टू इलेवन मार्च इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 इस साल की थीम क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड आल्सो टीच अदर्स ये आपको याद रखना है कि इस साल की थीम क्या रही है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ एज पर एटीपी रैंकिंग हु बिकम वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर टेनिस प्लेयर्स की एक रैंकिंग रे, होती है जो कि एटीपी के द्वारा निकाली जाती है तो इस साल के लिए 2022 ईयर के लिए वर्ल्ड नंबर वन वर्ल प्लेयर कौन रहे ऑप्शन है डेनियल मैदेदेव राफेल नडाल नोवाक जोकोविक एंड स्टेफनोसि पास तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोवाक जोकोविक नोवाक जोकोविच बने हैं वर्ल्ड नंबर वन वर्ल प्लेयर एज पर एटीपी रैंकिंग नोवाक जोकोविक किस कंट्री के हैं तो ये सर्बिया कंट्री के हैं ये भी आपको याद रखना है सर्बिया से हैं नोवाक जोकोविच और टेनिस प्लेयर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड टू बी अपॉइंटेड टू एन आईएएफ कमांड पोस्ट पहली महिला कौन बन गई हैं आईएएफ कमांड पोस्ट पर अपॉइंट होने वाली ऑप्शंस है गौरी बिद्दल, तेजल मेहता अवनी चतुर्वेदी एंड शालिजा धामी तो शालिजा धामी जो है वो आपकी पहली वुमेन बन गई हैं टू बी अपॉइंटेड एज आईएएफ कमांड पोस्ट

किस कंट्री की ये कंपनी है टोटल एनर्जीज ऑप्शन है यूएसए फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना इसका तो करेक्ट आंसर है फ्रांस फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज जिसके साथ मिलकर के एक एमओयू साइन किया है ओ ने टू एक्सप्लोर डीप वाटर ब्लॉक्स रिसेंटली रियो टूक ओथ हैीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड फॉर दी टर्म फिफ्थ टर्म के लिए नेफियोरियो ने चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के पद की शपथ ली है ही बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी किस पोलिटिकल पार्टी से है ये ऑप्शन है बीजेपी एनपीपी एनडीपीपी और एम एन एफ उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है नेफियोरियो अभी रिसेंटली थ्री स्टेट्स में मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे हम इन दोनों स्टेट्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं नागालैंड में अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सिक्सटी सीट्स थी जिसमें से एनडीपी NDP, एनडीपीपी को ट्वेंटी फाइव सीट मिली है और बीजेपी को ट्वेल्व सीट्स मिली है और ये एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस ही है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है यहाँ पे और हम बात करें चीफ मिनिस्टर की तो वो है आपकी नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए और एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस जो है वो इसमें गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है मेघालय के हम बात कर चुके हैं मेघालय है के सीएम कॉनरेड संगमा बन गए हैं और त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह बन गए हैं

मिला है ये हैं आपकी शिप्रा दास बिन अवारज बीन ऑनर्ड नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड अ मिलिट्री बेस इन टू स्ट्रेंथ नाटो कैपेबिलिटीज इन आर्कटेक आर्टेक में नाटो की जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए एक मिलिट्री बेस स्टेब्लिश करने वाला है यूनाइटेड किंगडम कहां पर यह बेस स्टेब्लिश होने वाला है ऑप्शन है स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क और फिनलैंड करेक्ट आंसर है है आपका नॉर्वे नॉर्वे में होने वाला है, एक मिलिट्री बेस यूनाइटेड किंगडम का जो कि नाटो की कैपेबिलिटीज जो है आर्कटिक में उसे बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है जो लास्ट ईयर हमने देखा था रशिया का इन्वेजन ओवर ओवर यूक्रेन तो उससे बचाने के लिए ऐसी चीजों से बचावा करने के लिए जो नाटो की कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ावा देने के लिए मिलिट्री बेस जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है नॉर्थ नॉर्वे में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी सोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ऑप्शन है यू सऊदी अरेबिया कतर और कुवैत तो इसका करेक्ट आंसर है कतर कतर के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में यही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर रिसेंटली हु रोट अ बुक टाइटल एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर ज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर एक बुक है रिसेंटली ये किसने लिखी है ऑप्शन है राजेश राय शैलेश पाठक के एम चंद्रशेखर और अरुंधति रॉय तो फॉर ब्यूरोक्रेट है के एम चंद्रशेखर जिन्होंने ये बुक लिखी है एस गुड एज माई वर्ड अर ये भी आपको देखना है इंडिया इज सेंडिंग ट्वेंटी थाउजेंड टर्न ऑफ वी टू विच नेबरिंग कंट्री रशिया यूक्रेन वॉर के कारण काफी फूड डेफिशिएंसी और तालिबान के अटैक के कारण काफी फूड डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है अफगानिस्तान में रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया विल सेंड 20,000 थाउजेंड टन ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान और ये छावार पोर्ट जो है आपका ईरान में उसके थ्रू वाया ईरान छावार पोर्ट के थ्रू ये अफगानिस्तान तक जाएंगे ये व्हीट जो है क्योंकि पाकिस्तान का जो ये जो आपका इंडिया का मैप है इधर से इंडिया का मैप है आपका ये पाकिस्तान का रीजन है और ये अफगानिस्तान है तो पाकिस्तान से इंडिया का कोई भी अलाउंस नहीं है इसलिए ये ईरान से होते हुए इस तरह से यहां पर आपका चाहाबार पोर्ट है और चाहबार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान तक ये जो है वो पहुंचने वाला है ये लॉट जो है वो पहुंचने वाला है वीट का तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि ट्वेंटी थाउजेंड टन वीट किस कंट्री के लिए इंडिया भेजने वाला है तो अफगानिस्तान के लिए और चाहबार पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है तो ईरान में ये लोकेटेड है रिसेंटली कुप्पू स्वामी संपत पास अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे कुप्पू स्वामी संपत ऑप्शन है हॉकी क्रिकेट फुटबॉल और टेनिस तो फुटबॉल से रिलेटेड थे आपके कुप्पू स्वामी संपत जिनका रिसेंटली निधन हो गया है और ये 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स की जो टीम थी इंडिया की जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसमें इन्होंने पार्ट लिया था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल बूस्ट ट्रेड टू 45 टू 50 बिलियन डॉलर बाय विच ईयर अभी रिसेंटली एंथनी जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं तो काफी अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग दी डिफेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हुए हैं इंडिया के साथ में इसमें बात की गई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो फोर्टी टू फिफ्टी बिलियन तक बढ़ सकता है बाई विच ईर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन से टू थाउजेंड ट्वेंटी और टू तो इसका करेक्ट आंसर है टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है वो 45 फाइव टू फिफ्टी बिलियन तक टच कर सकता है ऐसे एस्टिमेट्स लगाए गए हैं लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वन द प्राइस आर्किटेक्चर थाउजेंड ट्वेंटी 2023 किसको अवार्ड किया गया है प्रिट्सगर प्राइज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रिट्सगर प्राइज नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था और इसे नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है आर्किटेक्चर का तो 2023 का अवार्ड किसको दिया गया है ऑप्शन है पीटर आइसनमैन डेविड एलन चिपरफील्ड फ्रेंक गैरी एंड जहा हदीद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन डेविड एलन चिपरफील्ड को इस साल का प्रिट्सकर प्राइज अवार्ड किया गया है इसके अलावा हमने देखा था बीवी दोषी जो कि इकलौते इंडियन है बीवी दोषी को भी 2018 में प्रिट्सगर प्राइज मिल चुका है प्रिट्सगर अवार्ड मिल चुका है

कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए हैज बीन चोजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर टू इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ तब तक पढ़ते रहिए एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टेट यूनिवर्स विज्ञान